नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ए बी सी डी चार इनपुट्स हैं, ये सर्किट आपको गिवन है। सर्किट में इस पॉइंट पर स्टक एट जीरो हैजार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ जैसा कि ये एंड गेट है तो एंड गेट के बाकी सारे इनपुट्स को इनएक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, वन। ये नॉर गेट है, नॉर गेट का आउटपुट वन कब आता है, इन ओनली वन केस व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो, है ना। एक काम तो ये हो गया। दूसरा एक स्टेप क्या होता है आपका, स्टक एट जीरो। स्टक एट जीरो होने की वजह से इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट लॉजिक, दैट इज वन। नैंड गेट वन कब देता है, तीन केसेस में, कब कब, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, क्योंकि नैंड गेट वन वन पे तो क्या दे देता है, जीरो, है ना। नाउ अब अगर आपको क्या निकालना है, टेस्ट वेक्टर, तो टेस्ट वेक्टर हमारा सिंपल सा गणित है। वो क्या, कॉम्बिनेशंस में कैसे लिख रहा हूं, ए बी सी डी की फॉर्म में, ऑब्वियस है वैसे ही बाय डिफॉल्ट लिखना है, जीरो 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 जीरो, नेक्स्ट जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, है ना। अगर मैं इसको डेसिमल लिखूं तो इट इज नथिंग बट जीरो चार आठ। ये मेरा टेस्ट वेक्टर है या टेस्ट सेट है। अगर मैं बात करता हूं टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस की, तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन टू की पावर फोर 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपको इस सर्किट को डायग्नोस करना है और 16 इनपुट कॉम्बिनेशन से चेक करोगे, या फिर आप सिर्फ इन तीन कॉम्बिनेशन से चेक करोगे, सबसे ज्यादा एफिशिएंट हमको मिल गया। जब इस पॉइंट पर स्टक एट जीरो प्रॉब्लम, चाहे मैं 16 कर लूं, चाहे मैं इन तीनों को कर लूं, अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो मेरे को ये भी बता देगा, चाहे जैसे ये बताता है ना, क्लियर है। तो कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट सॉल्यूशन है पाथ सेंसिटाइजेशन टेक्निक से, क्लियर। इज देयर एनी डाउट।